वेलकम टू द आशिमा शो। दोस्तों, आज की वीडियो में देश और विदेश से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करूंगी, ताकि आज की वीडियो देखने के बाद आपको कोरोना वायरस को लेकर एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि दुनिया भर में क्या हलचल है। तो चलो शुरू करते हैं। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 17 लाख पहुंच गई है और 1 लाख पार डेथ्स हो चुकी हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि 50,000 से 1 लाख का आंकड़ा बढ़ने में सिर्फ 8 दिन लगे हैं। हाँ दोस्तों, सिर्फ 8 दिन। और अगर बात की जाए संक्रमित आंकड़ों की, तो सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस अमेरिका में 5 लाख, स्पेन में 1.5 लाख, इटली में 1,40,000, जर्मनी और फ्रांस में 1,20,000 के लगभग है। दुनिया के 1/4 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों से जूझ रहे अमेरिका में अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें अकेले न्यूयॉर्क स्टेट में कोविड-19 से मरे लोगों की संख्या 7,000 से ज्यादा है। शवों की इतनी तादाद होने की वजह से और न्यूयॉर्क सिटी के भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्पेस कम होने की वजह से शवों को दफनाने के लिए हार्ट आइलैंड में बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे हैं। ऐसे में जिनकी डेड बॉडीज कोई क्लेम नहीं कर रहा है, उनके शवों को अब सामूहिक कब्र में दफनाया जाएगा। डेड बॉडी क्लेम ना करने की खबरें इंडिया से भी अब आने लगी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि न्यूयॉर्क स्टेट में हार्ट आइलैंड पर पिछले 150 सालों से ऐसे ही शवों को दफनाया जा रहा है, जिनका कोई वारिस ना हो या जिनका परिवार अंतिम संस्कार का खर्चा ना उठा पाए। आमतौर पर यहाँ सप्ताह में लगभग 25 शव दफनाए जाते हैं और सप्ताह में ये काम एक दिन किया जाता था। अभी हालात ये है कि सप्ताह में 5 दिन शव दफनाए जा रहे हैं और एक एक दिन में 25-25 शव दफन हो रहे हैं। डेड बॉडीज को सामूहिक कब्र में दफनाने का काम आम तौर पर इसी आइलैंड पर बनी एक जेल के कैदी करते थे, लेकिन अभी इतने ज्यादा शव आ रहे हैं कि इस काम का ठेका कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया है। हमारे देश में भी संपूर्ण लॉकडाउन के बीच कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। देश में अभी तक संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,600 हो गई और मृतकों का आंकड़ा 200 को पार कर चुका है। कोरोना से अब तक लगभग 800 लोगों को निजात दिलाई जा चुकी है, वे ठीक होकर घर जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ लॉकडाउन को लेकर बैठक के एक दिन बाद ही कोरोना वायरस के केसेस में हाईएस्ट एवर सिंगल डे स्पाइक देखा गया है। 25 मार्च से लगे लॉकडाउन पर अब सरकार को निर्णय लेना है, क्योंकि ये 21 दिन का लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म होने वाला है। दो राज्यों ने, ओडिशा और पंजाब ने, पहले ही घोषणा कर दी है कि उन स्टेट्स में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। बाकी के ज्यादातर राज्यों से भी यही संकेत आ रहे हैं कि वे भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाएंगे। दुनिया भर में देखा गया है कि डॉक्टर्स इस वायरस से बहुत ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। अभी ऐसे ही मामले इंडिया में भी सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक 62 साल के डॉक्टर की कोरोना वायरस से मृत्यु हो गई है। देश भर में काफी डॉक्टर्स और स्टाफ कोरोना से संक्रमित हैं। राजधानी में भी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने और कड़े कदम उठाते हुए दिल्ली के 21 हॉटस्पॉट एरियाज की पहचान की और उन्हें सील कर दिया गया है। यानी अब इन इलाकों में रहने वाले लोग अगले आदेश तक यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली में बिना मास्क अब लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यदि लोग बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलेंगे तो पुलिस उन पर कार्यवाही करेगी। भारत सरकार अब डेली कोरोना टेस्ट की स्पीड को बढ़ाने में जुटी हुई है। थर्सडे को अभी तक के एक दिन में सबसे ज्यादा 16,000 टेस्ट किए गए थे। अब तक 1,70,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। हालांकि पॉपुलेशन को देखते हुए ये संख्या बहुत कम है। अमेरिका 2.5 करोड़ कोरोना के टेस्ट कर चुका है। कोरोना वायरस को लेकर इन दिनों दुनिया के कई देशों में कोशिश की जा रही है। ऐसे में मलेरिया की एक दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन काफी कारगर बताई जा रही है। भारत में इसका प्रोडक्शन काफी मात्रा में होता है, इसी के चलते अमेरिका समेत कुछ देशों ने भारत से ये दवा मांगी थी। भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए दुनिया को ये दवा मुहैया करवाई है और भारत ने एक बार और सिद्ध किया कि मानवता को बचाने के लिए भारत सबसे आगे रहेगा। इसी के चलते यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये मदद हमेशा के लिए याद रहेगी। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी मोदी को धन्यवाद दिया है। आपको पता ही होगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना से बीमार थे। अभी उनकी हालत में सुधार है, आईसीयू से बाहर आए, लेकिन अभी कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।